By using simple pendulum, number one, find the value of gravitational acceleration g. Number two, prove that time period of pendulum is directly proportional to square root of length of pendulum. Number three, show that time period is independent of mass. Number four, show that time period of pendulum is independent of amplitude. तो सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल करते हुए हमने ये चार पार्ट प्रैक्टिकल के परफॉर्म करने हैं। ऑपरेटस में हमें थ्रेड चाहिए, स्टैंड, हुक, कॉक, मेटालिक बॉब्स, स्टॉपवॉच, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर। डायग्राम में हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये उसका सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ इधर एक थ्रेड है, आगे हुक है और हुक के बाद ये एक बॉब है, यहाँ तक ये बॉब का रेडियस है। तो पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो दरअसल थ्रेड प्लस हुक प्लस रेडियस ऑफ बॉब के इक्वल होती है। तो हम इन तीनों लेंथ को जब काउंट करते हैं, ऐड अप करते हैं, तो ये पेंडुलम की लेंथ बनती है। तो ये जो टोटल लेंथ है एल, ये दरअसल किसके बराबर होती है? ये दरअसल बराबर होती है थ्रेड प्लस हुक मींस एल वन प्लस रेडियस ऑफ बॉब मींस ये आप कह सकते हैं। तो इन दो लेंथ को हमने अलग क्यों किया है? इस वजह से किया है कि थ्रेड और हुक की लेंथ को मीटर रॉड के ज़रिए से मालूम किया जाता है, जबकि ये जो बॉब है इसका डायमीटर वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हुए मालूम किया जाता है, उसको हाफ करने पे रेडियस आता है। तो क्योंकि दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से ये दो मुख्तलिफ लेंथ ली जाती हैं, तो इस वजह से इसको हम L1 बोलते हैं और दूसरा R है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू 2πL/g√। तो टी स्केयर की वैल्यू ये आएगी, जबकि जी की वैल्यू निकालें तो 4π² L/T² आएगी। जी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक तो आप इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर दो पे आप स्लोप अगर निकाल लें L/T² ग्राफ की, मींस आपके पास एक ग्राफ हो जिसमें एक क्वांटिटी L हो, दूसरी T² हो, तो आप स्लोप निकालें और स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें 4π² के साथ, तो आप ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हुए भी जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये साबित करना होता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा देखें कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2πL/g√, 2πL/g√ इज इक्वल टू, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो 2π/g√ ये कांस्टेंट है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय L/√। और इस तरह की अगर कोई इक्वेशन हो तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/√, या इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, T/L/√ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स अगर हम ये साबित करा दें कि T/L/√ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अगर हम लेंथ की वैल्यू को चेंज करें, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज करें, और हम डिफरेंट लेंथ के ऊपर देखें कि ये रिलेशन एक ख़ास कॉन्स्टेंट की वैल्यू देता है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो आइए अब हम अपने ऑपरेटर्स को सेट करते हैं और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो पार्ट फर्स्ट है जी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, और पार्ट सेकंड ये रिलेशन प्रूव कराने वाला, इन दोनों प्रैक्टिकल को एट अ टाइम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ऑपरेटर्स मैंने सेट करके रखा हुआ है। इधर जो सिंपल पेंडुलम है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, दरमियान में 56 सेंटीमीटर है, जबकि राइट पे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर आप उसे बोल सकते हैं। तो इधर कुछ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, मैंने कैसे ये
मुख्तलिफ लेंथ के पेंडुलम बनाए, इधर एक मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, उनमें बॉब होनी चाहिए मेटालिक वाली, साथ में थ्रेड होना चाहिए, ये थ्रेड वगैरह मौजूद है, वर्नियर कैलिपर होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, डिजिटल स्टॉप वॉच होनी चाहिए, रबर कॉक होना चाहिए और मीटर रॉड होना चाहिए। और इसके अलावा आपको वेट बैलेंस भी रखना चाहिए। मुझे इन बॉब के, ये जो मेटालिक बॉब है ना, तो इनके मैसेज पता हैं कि ये 50 ग्राम की है, ये बॉब 20 ग्राम की है, लेकिन आपको पता ना हो तो आपके पास वेट बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये एक स्टैंड है, पेंडुलम स्टैंड इसे बोलते हैं। और इस स्टैंड को सेट किस तरह किया जाता है, ये जो स्क्रू है इससे वर्टिकली हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से अगर इससे देखेंगे तो हम इस क्लैंप को रोटेट करवा सकते हैं। और अगर यहाँ पे इसे हम देखें, ये जो तीसरा स्क्रू है, फर्ज करने इसे मैं इधर रखता हूँ, ये जो तीसरा स्क्रू है इसको भी हम इधर से चेंज करा सकते हैं। ये देखें, यहाँ इस स्क्रू से हम इस क्लैंप को क्लोज़ या ओपन कर सकते हैं। और इसकी जो बेस है, अगर वो लेफ़्ट पे है तो इसका क्लैंप राइट पे होना चाहिए ताकि वेट में बैलेंस आ जाए। अब किस तरह से हमने पेंडुलम बनाना होता है, मुख्तलिफ लेंथ का, जो लेंथ हमें चाहिए होती है, तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है वो जो भी बॉब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डायामीटर पता होना चाहिए। ये वर्नियर कैलिपर, यहाँ से इसका डायामीटर जो है इसको इसके अंदर कैप्चर करें। जब ये कैप्चर हो जाए तो देखें कि इसकी जो है वो कितनी मेजरमेंट है, ये 2.2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका रेडियस जो है बड़े वाली बॉब का, जो कि 50 ग्राम है, 1.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है। और ये वाली छोटी बॉब है 20 ग्राम वाली, और इसका जो रेडियस है वो कितना बनेगा, वो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको मैं इधर जो है वो टाइट करता हूँ और इधर से मैं देखता हूँ, तो ये कहीं 1.3 सेंटीमीटर इसका डायामीटर बन रहा है, तो इसका जो रेडियस है वो बनेगा 0.65 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस आ गया 20 ग्राम वाली बाल का, बॉब का, जो के रेडियस है 0.65 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे 1 मीटर लेंथ लेनी है, तो बॉब का रेडियस शामिल करेंगे, वो कितना है बॉब का रेडियस, बॉब का रेडियस 1.1 सेंटीमीटर। तो बाकी जो लेंथ है इस हुक प्लस थ्रेड की, तो वो कितनी होनी चाहिए, 1.1 को छोड़ के बाकी जो है 98.9 होनी चाहिए। तो मैं इधर ये जो रबर काक है इसके अंदर से इसको इस तरह से गुजारूंगा, यहाँ पे मैं इसको रखूँगा, और इधर से 98, कितना 98 पे, 98.9 पे ले जाऊँगा, तकरीबन 99 पे बॉब को छोड़ के हुक प्लस थ्रेड को मैं ले जाऊँगा कहाँ पे, 99 पे, तकरीबन 99 के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, ये 99 के ऊपर आ चुका है थ्रेड प्लस हुक, तो इस तरह से 99 ये वाली और 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये टोटल जो इस कॉक के नीचे से लेके बॉब की टोटल जो बनी लेंथ वो 1 मीटर है। इस 1 मीटर के पेंडुलम को हम यहाँ पे रख के इसे क्लोज करेंगे, तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाएगी। तो 1 मीटर की लेंथ का पेंडुलम हमारे पास ये रेडी है, तो इसको मैं इधर रोक देता हूँ। तो इस सिंपल पेंडुलम के जो प्रैक्टिकल है, इसके 4 पार्ट्स हैं, जिनमें 2 पार्ट को हम एट अ टाइम एक ही टेबल से कर सकते हैं। तो एक ही टेबल में एक जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए 2 पार्ट एट अ टाइम करेंगे। तो इस वाले पेंडुलम को अभी साइड पे करते हैं, ये बाद में इस्तेमाल होगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाकी कंपोनेंट्स को भी साइड पे करते हैं। जी हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, इधर से हम ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस जो हैं वो अपनी टेबल में पुट करते जाएंगे। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, वो ये हैं कि नंबर 1, यहाँ पे कोई एयर करंट्स नहीं होने चाहिए जो कि हमारे ऑसिलेशंस को डिस्टर्ब करें। और नंबर 2 पे ये जो बॉब है ये छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी ना हो, बेशक इसका मैस जितना भी हो लेकिन इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो, वरना ये वाला
जो पेंडुलम है वो कंपाउंड पेंडुलम की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर ये सिंपल नहीं होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। अच्छा, तीसरी जो एहतियात आपने करनी है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं, बल्कि इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ये बना ही थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ये सिंपल पेंडुलम है। और जो चौथी बात है वो ये कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो बॉब है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब होनी चाहिए, तो अगर देखें तो ज़मीन की सरफेस से तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 ही रहती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉब यहाँ पे हो, इधर हो, या ज़मीन के करीब हो, यहाँ पे जी की वैल्यू के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी केयर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहले टेबल में हम जो है देखेंगे कि ये जो हमारे पास तीनों बॉब हैं, इन तीन ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करेंगे अभी के लिए, जिनसे हमारे प्रैक्टिकल के दोनों पार्ट हो जाएंगे। और इनमें देखें तो बॉब 20 ग्राम की इस्तेमाल की गई है, और इसका जो रेडियस है वो 0.65 सेंटीमीटर है, इसमें जो रेडियस है वो भी 0.65, इसमें भी 0.65। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर के है तो 0.65 का रेडियस है, बाकी जो हुक प्लस थ्रेड है वो कितना होगा, 24.35। इसी तरह से एक इसका जो हुक प्लस थ्रेड है वो होगा 54.35, और इसका जो है वो 99.35 सेंटीमीटर हुक प्लस रेडियस होगा, क्योंकि बॉब का साइज़ तो एक जैसा है इनमें। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो 25 सेंटीमीटर वाली बॉब है, इसके 10 ऑसिलेशंस को अगर हम काउंट करें तो इसका जो टाइम है वो कितना बनता है, फिर इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। तो ये स्टॉप वॉच मेरे पास मौजूद है, इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूँ और इधर से स्टॉप वॉच को ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें 10 जो है वो हमारा 10.07 सेकंड में आ रहा है टाइम। इसी तरह से दोबारा इसे हम कर लेते हैं, इसको मैं रीसेट करता हूँ, दोबारा से एक दफ़ा इसे देखते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें तो फिर से 10, 13, पहले 10, 7 था, तो ये हमारे पास इसका टाइम आ गया। अब हम आगे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिक्स कर लें कि ये जो 25 सेंटीमीटर का पेंडुलम है, इसका जो 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम आ रहा है वो 10 सेकेंड, और आगे एक दफ़ा 7 आया है नंबर, और दूसरी दफ़ा 13 आया है। अब इसे मैं फिर से रीसेट करता हूँ। तो अब ये जो सेकंड नंबर के ऊपर पेंडुलम पड़ा हुआ है, अब इसका हम मेजर करते हैं टाइम पीरियड। इसकी लेंथ 56 सेंटीमीटर है, आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे इसकी ऑसिलेशंस में मैं जैसे ही छोड़ता हूँ इसे ऑन करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आप देख सकते हैं 15, 22। ठीक है, अब एक दफ़ा इसे हम फिर से करते हैं। मैंने जिस तरह से इसे रीसेट कर दिया, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें, ये हमारे पास आया 15, 3। तो इसका भी काम हो गया, तो इसको भी आप फिक्स कर लें कि इसका तकरीबन 15 सेकंड आ रहा है, और उससे आगे थोड़ा बहुत इसका इसका जो है वो 10 ऑसिलेशंस के लिए कितना आ रहा था, इसका 10 ऑसिलेशंस के लिए 10 ही आ रहा था। अब आ जाते हैं तीसरे पे, इसको मैं रीसेट करता हूँ और इसको देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो ये देखें, ये 20, उससे आगे एक डिजिट है और वो 28 है,
तो इसको फिर से मैं रीसेट करता हूँ एक दफ़ा फिर से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। तो ये देखें, ये 20 आगे 62 का एक डिजिट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 25 सेंटीमीटर वाला है, इसका 10 ऑसिलेशंस के लिए तकरीबन 10 सेकंड है, तो एक ऑसिलेशन के लिए 1 सेकंड हुआ। इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हुआ। इसका जो टाइम पीरियड है 56 वाले का, इसका 10 ऑसिलेशंस के लिए 15 सेकंड बन रहा था, तो अप्रॉक्सीमेटली एक ऑसिलेशन के लिए 1.5 सेकंड, मींस 1.5 सेकंड इसका टाइम पीरियड हुआ। और ये वाला जो हमारे पास है 1 मीटर वाला, तो इसका जो टाइम है वो 10 ऑसिलेशंस के लिए 20 सेकंड आ रहा है। हमने 2 दफ़ा किया, इसका एवरेज लेंगे तो 20 सेकंड ही आएगा। इसका मतलब 10 ऑसिलेशंस के लिए 20 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड। तो ये 1 सेकंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो जैसा कि हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस की, हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ, तो जो 3 पेंडुलम हमने इस्तेमाल किए थे उनमें हर एक की लेंथ डिफरेंट थी, लेकिन उन सब में जो बॉब इस्तेमाल की गई थी वो एक थी। रेडियस ऑफ बॉब ये था 0.65 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो ये टेबल है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, थ्रेड प्लस हुक की लेंथ है, यहाँ पे L1 है और इधर पेंडुलम की लेंथ है, मींस L1 प्लस स्मॉल r। टाइम ऑफ 10 वाइब्रेशन, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हैं। मीन टाइम इनका एवरेज है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हमने एवरेज टाइम को 10 ऑसिलेशंस पे डिवाइड करना है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम आएगा जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। और इधर L/T² है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जबकि लास्ट में T/L√ है। ये वाला कॉलम G की वैल्यू फाइंड आउट करने के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला कॉलम हमें ये रिलेशन प्रूफ करने के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब हमने पहला यह छोटा पेंडुलम इस्तेमाल किया था तो उसका टाइम ये आया था, ये एवरेज टाइम, ये टाइम पीरियड। इस तरह से L/T² की वैल्यू और T/L√ की वैल्यू। दूसरे पेंडुलम के लिए ये हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, जबकि तीसरे के लिए हमारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि L/T² की वैल्यू हमारे पास इधर आ रही है। पहले पेंडुलम के लिए ये वाली है, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए। तो पहले पेंडुलम के लिए जो जी की वैल्यू बनती है वो 967.22 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि अगर L/T² ये इस्तेमाल कर लें और इसके साथ 4π² को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनती है, और इसको इस्तेमाल करें तो फिर ये वाली वैल्यू बनती है जी की। इसी तरह से अगर इस कॉलम को देखें तो वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं। तो यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि T/L√ की वैल्यू अगर डिफरेंट लेंथ रखने के ऊपर एक जैसी आ रही है तो फिर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, हेंस प्रूव्ड। और जी की वैल्यू डिफरेंट केसेस के ऊपर हमारे पास ये आई हैं, जिनका हम मीन लेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। जी बाई ग्राफ, ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए भी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर पेंडुलम की लेंथ है सेंटीमीटर में, जबकि वाई एक्सिस पे टाइम पीरियड का स्केयर है। तो इधर जब हमने पहला पेंडुलम इस्तेमाल किया 25 सेंटीमीटर लेंथ का, तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड था, उसका स्केयर लें तो भी 1 आता है। इसी तरह दूसरे पे देखें तो 56 सेंटीमीटर के ऊपर 1.5 सेकेंड था, और स्केयर लें तो 2.25। इसी तरह 100 सेंटीमीटर पे 2 सेकेंड का टाइम पीरियड था, जिसका स्केयर लें तो वो 4 सेकेंड आता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे बनते हैं। अगर हम स्लोप लें इन 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो
तो हमारे पास स्लोप आएगी डेल्टा टी स्क्वायर ओवर डेल्टा एल 3/75। तो हम इस स्लोप को इन्वर्स करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डेल्टा एल ऊपर है और डेल्टा टी स्क्वायर अब नीचे करें तो 75/3। तो इसकी वैल्यू को हम 4π² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 986 cm/s². तो ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए भी हम जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड से भी आप साबित कर सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। कैसे? अगर आप देखें इधर से स्क्वायर लें इसका टाइम पीरियड का, तो वो बनता है टी का स्क्वायर, इधर से जो है वो एल आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा। अगर हम देखें टाइम पीरियड का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, लेंथ ऑफ पेंडुलम के, तो एक लीनियर रिलेशन दरअसल बनता है ये। अगर ये लीनियर रिलेशन हमारे पास ग्राफिकल मेथड से आ जाता है तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला पेंडुलम था, छोटा पेंडुलम था, उसके लिए लेंथ ऑफ पेंडुलम इधर टी का स्क्वायर है, तो ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट ये दूसरे पेंडुलम के लिए है, जबकि ये तीसरा पॉइंट तीसरे पेंडुलम जो कि सबसे बड़ा पेंडुलम था उसके लिए है। तो इन तीनों पॉइंट से ये साबित हुआ है कि ये एक लीनियर ग्राफ है, लेंथ और टी स्क्वायर के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ से साबित हुआ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो यहाँ पे रिजल्ट में आप देखें जो एवरेज वैल्यू हमने ली जी की, ये ग्राफिकल मेथड वाली वैल्यू को शामिल करते हुए नहीं है, जो कि एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है, 986 है, वो नहीं है, बल्कि हमने जो अपने टेबल से ली थी वैल्यूज उनका एवरेज लिया तो 958 है, जबकि एक्चुअल वैल्यू 980 होती है। जब हमने परसेंटेज एरर निकाला तो वो 2.11% आया, जो कि लेस देन 5% है, एक्सेप्टेबल है। और ये एरर कम भी किया जा सकता है अगर हम अपने मेथड को अच्छा कर लें, अगर हम स्टॉप वॉच के स्टार्ट और एंड का टाइम एक्यूरेटली मेजर करें, अगर हम पेंडुलम की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करें तो ये कम किया जा सकता है एरर। और जो हमारा सेकंड पॉइंट था जिसमें हमने साबित करना था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो क्योंकि इसकी वैल्यू टेबल के लास्ट कॉलम में 0.202 आई है, तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिससे साबित हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम।